ले लो रिश्तेदारों से ना, मेरे से क्यों माँच उतवा रहे हो फिर? ले लो रिश्तेदारों से ना, मेरे से क्यों माँच उतवा रहे हो फिर? हेलो, हेलो, हाँ जी, इंटरप्राइजेस से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। वो सर, आपने भारत पे की अमाउंट पेमेंट क्यों किया सर? अभी तक सुन रहे 2,92,336 रुपए। किसका अमाउंट? भारत पे से जो आपने लोन ले रखा है, पेमेंट किया नहीं है सर? पेमेंट भारत पे वालों ने मेरे रिश्तेदारों से ले ली थी। क्या ले ली थी? मेरे रिश्तेदारों से पेमेंट ले ली थी भारत पे वालों ने। नहीं नहीं नहीं, आपकी कोई भी जांच पेमेंट नहीं आई सर। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, हाँ, क्या बोल रहे हो मैडम? कोई नहीं लिया सर, अगर लेता तो आपका लोन क्लोज हो जाता ना। आप अपने पता नहीं मैडम, 2-3 बार फोन करे थे उन्होंने मेरे रिश्तेदारों को, तो मैंने कहा, हाँ मैंने कहा जब रिश्तेदारों से ले रहे हैं तो ठीक है, फिर मेरी टेंशन खत्म हो जाते हो गई। सर एक काम करो, मैं लोन को क्लोज करने करके दोबारा लोन लेते हैं। इस लोन को क्लोज कैसे करूं जब उन्होंने मेरे रिश्तेदारों से ले लिया? डबल डबल दूंगा क्या? नहीं सर, कहाँ लिया आप अपना भारत आपका? मैडम मेरे रिश्तेदारों को कॉल करा था भारत पे वालों ने 3 बार, अगर अगर उन्होंने पेमेंट नहीं ली तो क्या, किस लिए फोन किया था फिर? सर फोन तो पेमेंट करवाने के लिए कहा जाता होगा, पेमेंट करने के लिए नहीं कहा। तो रिश्तेदारों ने लिया था क्या लोन? अभी सर आपको किसने कॉल किया था? किसने किया था रिश्तेदारों? मैंने आपको पहली बार कॉल किया। आपकी बात नहीं करता मैं, भारत पे वालों की बात कर रहा हूँ। सर मैं भी तो भारत पे से ही ना। आप एक बार मिल लो मेरे से, फिर ले जाओ पेमेंट आके। सर मैं तो बैंगलोर में बैठी हूँ, बैंगलोर आ जाओ। बैंगलोर टिकट करा दो आप मेरी फ्लाइट की। सर पेमेंट भी बता दो अगर कर। पेमेंट सुनो, पेमेंट मैं नहीं देता, सुनो मेरी बात सुनो, पेमेंट जी बोलिए, पेमेंट मैं नहीं दूंगा। भारत पे वालों ने मेरे रिश्तेदारों को कॉल करके मेरे जितनी पेमेंट थी ना, उतनी से ज्यादा मैं नहीं मानहानि क्लेम करता हूँ मैं, उल्टा मुझे भारत पे से पैसा लेना है, ठीक है? जिसकी गांड में दम हो, सुनो भारत पे वाले की जिसकी गांड में दम हो, मेरा एड्रेस है, आए और पेमेंट ले जाए, ठीक है? लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है भविष्य में आपको कभी लोन दीजिए। मतलब ही नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ, सुनो मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन उसकी माँ चोतने की हिम्मत रखता हूँ जो मेरी ना बेइज्जती कर दे। हाँ मैडम, मुझे कितनी गालियाँ मिली है मुझे पता है, आप लड़की हो इसलिए मैं कम दे रहा हूँ गाली। अभी कोई लड़का होता ना, स्टार्टिंग ही उसकी माँ और बहन से करता। ये 2 कौड़ी के रिकवरी वाले होते हैं, 10,000-12,000 वाले, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर अगर सिंक हो गए हैं तो मुझे ब्लैकमेल करेंगे, मुझे हैरेस करेंगे, माँ चोत दूंगा इनकी बहन के लौड़ों की। जिस भारत सुनो, लोन क्लोज मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। जिसकी गांड में गूदा हो वो मेरा एड्रेस है, आ जाए और ले जाए, देखो सर ठीक है? हाँ जी, आपको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मुझे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, मैं खुद लोन देता था, लॉकडाउन की कहानी थी ये जो मेरे को लोन लेना पड़ा, ठीक है? मैं जीवन में लोन नहीं लूंगा, और भारत पे वाला मेरे से जीवन में पैसे निकाल के दिखा देना तो मेरा नाम भी ना अमित नहीं है, ठीक है? मेन रोड पे मेरी शॉप है, जो फन्ने का समझता हो अपने आप को वो मेरी शॉप पे आ जाए और पेमेंट ले जाए। सर पेमेंट कर, मैं आपको कॉल करती हूँ, यही बोलूंगी सर, आप 50% का डिस्काउंट लेकर पेमेंट कर। मैडम मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, मेरे 2,000 कॉन्टेक्ट नंबरों पे कॉले गई हैं, उनको गाली गलौज किया गया है, मेरे फैमिली के नंबर, बीवी का, सुनो बीवी का, साली का, बहन का, उन सारे नंबरों पे शेयर किए गए हैं, ठीक है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ मेरे जो पर्सनल नंबर है ना, जैसे बीवी, बहन, साली, इनके नंबर, एक जो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 2,000 नंबर तुम्हारे पास, 1600 शायद व्हाट्सएप यूजर है, तो सब पे मैसेज किए गए हैं, ठीक है? मैं नहीं देता 1 रुपया, आप 50% की बात कर रहे हो। सर जब आप नहीं देने की ठानी रखते हो तो कॉल मैसेज तो आपके रिश्तेदार के पास जाएंगे ना? हाँ कोई बात नहीं, आप रिश्तेदारों से ले लो, मैं भी तो देखता हूँ कि कौन रिश्तेदार देता है, भारत पे वाले की गांड में कितना गूदा है कि रिश्तेदारों से पेमेंट निकाल ले। ये जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हो ना कॉन्टेक्ट नंबर सिंक करके, भारत पे वालों की मात, आपने अलाउ किया बैंक को? नहीं मैंने, सुनो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर सिंक करे हैं, लेकिन मैंने ये अलाउ नहीं किया कि आप उनको कॉल करो।
आरबीआई बोलता है कि आप रिश्तेदारों को कॉल करोगे। मैडम आप ये बताओ क्या भारत पे, सुनो आरबीआई ये बोलता है कि आप रिश्तेदारों को कॉन्टेक्ट नंबरों को कॉल करोगे। मेरा एड्रेस नहीं है, मैं फोन नहीं उठा रहा। सर मैं बस ये जानती कि आप अगर लोन टाइम पर पेमेंट कर दिए, मैं नहीं दे रहा तो इसका मतलब आप रिश्तेदारों को कॉल करोगे तो क्यों नहीं कर दे रहे हो? हाँ तो ले लो रिश्तेदारों से ना, मेरे से क्यों माँ चुतवा रहे हो फिर जब रिश्तेदारों को कॉल करती तो छोड़ करो। कर दूंगा मैं, आप इसको छोड़ दो, अभी कर दूंगा थोड़ी देर में। इसको लाने के लिए पैंट पहननी पड़ती, स्कूल में अलाउ नहीं है। हेलो, हाँ जी, हाँ सर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पेमेंट आप लोगों ने रिश्तेदारों से ले ली मेरे, ले लो उनसे, नहीं लिए तो अगर उनसे पेमेंट लेनी है तो उनको कॉल करते, उनको कॉल 3 बार जा चुकी है। तो आप क्या चाहते हैं आगे, फ्यूचर में? हाँ बिल्कुल जाती रहे, भारत पे वाले की जितनी गांड में कूदा हो ना उतना कॉल करे और पेमेंट ले ले, मैं नहीं देता 1 रुपया भी। ठीक है आप कंटिन्यू सुनो, आप मेरे रिश्तेदार, अरे सर अगर मैं नहीं कर पाया तो आप मेरे रिश्तेदारों को कॉल करोगे क्या? पेमेंट तो आपको करानी पड़ेगी। पेमेंट आप फिर रिश्तेदारों से क्या, माँ चुदाने के लिए फोन की थी रिश्तेदारों को जो फोन किया गया था वो? मैं आपसे आराम से बात कर रहा हूँ, आराम से तुम्हारी माँ नहीं चोदी मैंने, तुम बहन कर लोड़ो क्या करोगे? तुमने जो मेरे साथ किया है ना, मैं तुम्हें सामने आ जाओगे पीटूंगा सालो। सर देखो मैं आपको एक बात बताऊं सिंपल सी, एक तो ये कि अभी तक आपके कस्टमर जो रिश्तेदार है ना उनके पास सॉल्व जाके सिर्फ इतना बोला गया है कि आपका अमाउंट भाई साहब, तो आपसे बात भाई साहब सुनो मेरी बात सुनो, जो आप अग्री कर रहे हो ना, आपको किसी ने ऑथराइज किया मेरे रिश्तेदार कॉल करने के लिए? आपने मेरा माना नहीं, आपने उनको मेरी जब पूरे रिश्तेदारी में ढिंडोरा पीटी दिया, हम इतने पैसे लिए नहीं दे रहा, तो अब किस बात के पैसे? नहीं देता मैं, जिसके गांड में कूदा हो ना वो लेके दिखा दे। मेरा एड्रेस है, सुनो उनके पास। हाँ जी ये कॉल गई क्यों उनके पास? बिल्कुल एक बार नहीं गई, 3 बार गई है। और एक बार तो मेरे, सुनो एक बार तो मेरे फैमिली के नंबर दिए गए हैं उनको कि ये इसकी बहन है, ये इसकी बीवी है, ये इसकी साली है। मैं भी देखता हूँ भारत पे वाला कितना बड़ा फन्ने का है, इसकी माँ नहीं चोदती ना तो मेरा नाम अमित नहीं है किसी। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास कॉल क्यों गई? सर आप ये बताओ ना, अगर मैं नहीं दे पा रहा आप रिश्तेदारों को कॉल करोगे? सर मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पर आंसर पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि मैं आपके पास भी या फिर किसी और के पास भी आपके लिए कॉल क्यों करूँगा? आप ये बताओ क्या आपको आरबीआई ऑथराइज करता है कि आप रिश्तेदारों को फोन करोगे ढिंडोरा पीटोगे? सर आरबीआई ने तो आपको भी ऑथराइज नहीं किया ना कि सर मैंने नहीं किया, सुनो मैंने अगर नहीं किया तो आप मेरे पे लीगल एक्शन जो होता है वो करो ना, इसका मतलब ये आप ब्लैकमेल करोगे। बताओ पैसा ना, मुझे तो लीगल फेस लेकर नहीं है। नहीं आप, आप ये बताओ ना, अगर मैं नहीं दे रहा, अगर मैं नहीं दे रहा आप ब्लैकमेल करोगे मुझे? सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई कस्टमर पैसा ना दे तो बैंक को सिर्फ लीगल एक्शन करना चाहिए? क्या किस लिए बनाए गए ये पुलिस कोर्ट कचहरी, किस लिए बनाए गए हैं? आप ब्लैकमेल करोगे? आप ये कह रहे हो कि हम अपने कोर्ट कचहरी वाला केस करें? आप ये कह रहे हो कि अगर पेमेंट नहीं देगा तो रिश्तेदारों में उसकी बेइज्जती करोगे? एक मैं होल्ड करना सर। चार पांच दिन के बाद हेलो। हाय सर। हाँ जी सर, मैं ये बताऊँ, मैं सिंपल सा एक बार पूछ रहा हूँ, क्या आरबीआई ने या फिर लीगल ने या पुलिस ने किसी ने भी आपको ये गाइडलाइन दी कि आप किसी भी बैंक का पैसा लेने के बाद नहीं देंगे? आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, आपको आरबीआई ने पुलिस ने या किसी ने भी ये गाइडलाइन दी है कि अगर ग्राहक पैसा ना दे तो मत करो सर? सुनो आपने सौ की एक बात बताता हूँ, मैं भारत पे का पैसा नहीं देता, जिसकी गांड में गूदा हो वो मेरे से पेमेंट निकाल के दिखा दे, ठीक है? मैं नहीं देता। आपके पास ये वाला नंबर है, अगर आपको पेमेंट जब भी करनी हो मतलब तो कॉल कर। सर मेरा मतलब ही नहीं है, मैं अभी पता है क्या करता हूँ, अभी मैंने जब से मैं ये इस चीज में फंसा हूँ ना भारत पे में, तब से मैं सुनो
तब से मैं आप लोगों की कॉल उठाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे एडिट करके डालता हूँ और उन लोगों तक पहुँचाता हूँ जो परेशान हो, जिनको ब्लैकमेलिंग की गई हो। अभी तो मैं भारत पे की मैं ऐसे चोद रहा हूँ, अगर उन्होंने मेरी बदनामी कर दी ना, 3 लाख रुपए मुझे देने हैं, वो तो मैं दे ही नहीं रहा, प्लस मैं उसके 3 करोड़ रुपए और बंद करवाऊंगा, उस तक पहुंचने नहीं दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है तो मत दो, ये बहन के लौड़े कुछ नहीं कर सकते भारत पे वाले। सर बस ये चीज गलत बोल दी आपने। हाँ ठीक है, आप कर लो ना। मैं, गलत बोल दी सर आपने। मैं यही हूँ, मेरा एड्रेस है। ये चीज गलत बोल दी आपने। मेरा एड्रेस है आपके पास सर, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। ये चीज गलत बोल दी आपने, तो आप कर लो जो कर सकते हो, मैं नहीं देता। ठीक है ठीक है।